हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अनिशा फैमिली। कैसे हो दोस्तों आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको आज लेटर सी बनाना सिखाऊंगी। पहले मैंने अपनी वीडियो में अल्फ़ाबेट लेटर ए और बी बनाना सिखा रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे। ये स्लिप नॉट लगाने के बाद हम 25 चैन बनाएंगे। वन टू थ्री फोर 24 25 चैन बनाने के बाद हम ये दूसरी चैन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। एक चैन स्किप करके दूसरी चैन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब नेक्स्ट चैन में हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक फिर इसी चैन में दो। अब नेक्स्ट चैन में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया। जो ये इस तरह हमने बनाया ये हम तीन बार बनाएंगे, जैसे एक में दो डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। तो हमारा ये एक बन गया है। अब एक ही चैन में दो बार और नेक्स्ट चैन में एक बार, तो ये हमारा अब सेकंड टाइम हो गया। इसी तरह भी एक बार और बनाएंगे, एक ही चैन में दो बार और नेक्स्ट चैन में एक बार, तो ये हमारा हो गया थ्री टाइम्स। अब नेक्स्ट चैन में हम फिर से एक ही चैन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन और फिर इसी में टू। अब अगली जो आठ चैन है, अगर नेक्स्ट एट चैन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चैन में एक एट टाइम, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। इस तरह से एक एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया हमने एट टाइम्स बना लिया। अब हम फिर से नेक्स्ट चैन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन फिर इसी में टू, फिर नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशिया। ऐसा हम फोर टाइम्स करेंगे। तो ये वन टाइम हो गया, फिर नेक्स्ट चैन में दो बार, वन टू, फिर नेक्स्ट चैन में एक बार, ये हमारा टू टाइम्स हो गया। फिर नेक्स्ट चैन में टू टाइम्स, फिर नेक्स्ट चैन में वन टाइम, ये हमारा हो गया थ्री टाइम। अब फिर नेक्स्ट चैन में टू टाइम, और अब नेक्स्ट जो नेक्स्ट चैन है इसमें वन टाइम। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन गया। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए, और इन धागों को हम पीछे की साइड निकाल लेंगे।
और इन्हें हम कट कर देंगे। देखिए ये हमारा लेटर सी बन गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ऐसे लाइक एंड शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।